आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को किया विस्फोटक तरीके से तैयार। 9 जून को भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उस मुकाबले से पहले पहले कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने गुस्से में आकर के प्लेइंग 11 में काफी बड़े बदलाव कर दिए हैं। 3 से 4 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और 4 ऐसे भूखे बब्बर शेर हैं जो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही भरी जो है विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी में भी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से पाकिस्तान क्या कोई भी टीम उनके सामने झुकती हुई नजर आएगी। तो बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों को टीम इंडिया में किया शामिल और 3 से 4 खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता। आखिरकार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की प्लेइंग 11 क्या है और कौन कौन से दिग्गज महारथी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान की टीम को धोते हुए बेहतरीन तरीके से नजर आएंगे, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच 9 जून को काफी ज्यादा तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उस मुकाबले से पहले पहले भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में काफी बड़ा उलटफेर कर दिया है। कप्तानी का जो जिम्मा है बैट्समैन कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया है और पहले नंबर पर वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे उनके साथ एक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जिनका नाम है सस्वी जायसवाल। आप सभी को बता देंगे सस्वी जायसवाल काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है। 2023 से लेकर के आईपीएल 2024 तक एसएसवी जायसवाल का रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा बेहतर रहा है। तो एसएसवी जायसवाल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आएंगे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग में उतरेंगे। कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने इन बल्लेबाजों को ओपनिंग में उतरने का मौका दिया है। और तीसरे नंबर पर एक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जिसका नाम सुनते ही शायद आपके भी एक बार होश उड़ जाएंगे। वो बल्लेबाज मैदान पर आते ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश कोई भी टीम हो धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उस बल्लेबाज का नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे और आप भी उस बल्लेबाज को दिल से सलाम और सल्यूट करेंगे जो गेंदबाजी से लेकर के बल्लेबाजी तक काफी ज्यादा घातक विस्फोटक तरीके से करता है, जो ऑलराउंडर बल्लेबाज है। जी हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या एक काफी खूंखार विस्फोटक ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी से लेकर के गेंदबाजी तक बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से करता है। कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को इस कदर धोएंगे कि बाबर आजम क्या यहां पर उनकी सात पुश्तें नहीं भूल पाएंगी। कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। अब हम बात करने वाले हैं खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज की अभिषेक शर्मा। जी आप सभी को बता दें कि आईपीएल जगत के सबसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने 12 पर 75 रन ठोक दिए। जी हां, शुमन गिल को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शुमन गिल लगातार खराब फॉर्म में चल रहे थे और बिल्कुल बेकार प्रदर्शन दिखा रहे थे, तो शुमन गिल को हटा करके टीम इंडिया में अभिषेक शर्मा को सिलेक्ट किया गया है। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों पर 75 रन ठोक दिए आईपीएल 2024 में और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से वो यहां पर मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के साथ गेंदबाज और कप्तान को धोते हुए नजर आएंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा टीम इंडिया में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज की जो मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करेगा, जिसे टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी और रन मशीन कहा जाता है। जी हम बात करने वाले हैं विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। विराट कोहली को टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी और रन मशीन कहा जाता है। विराट कोहली को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है। आईसीसी बीसीसीआई कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया में विराट कोहली को लिया है। विराट कोहली काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को बेहतरीन तरीके से धोते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजेगा। विराट कोहली खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ ने जिस खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है वह सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो 360 डिग्री का छक्का लगाने में मशहूर है और 360 डिग्री के छक्के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुमार यादव अगर पिच पर मैदान पर टिक गया तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। अगर टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव पिच पर खेल रहा है तो समझ लीजिए कि मुकाबला अभी भी आपके हक में चल रहा है, क्योंकि पता नहीं हारी हुई बाजी को कब जीत में पलट दे सूर्य कुमार यादव, ये किसी को नहीं पता। बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने खासकर रोहित विराट ने सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में सिलेक्ट कराया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक
बल्लेबाजी से पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, उनको धोते हुए बेहतरीन तरीके से नजर आएंगे। इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलेगा और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय टीम की तरफ से घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज की, जो ऑलराउंडर बल्लेबाज है जिसने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं, जो मैदान पर आते ही पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह हम बात करने वाले हैं विकेट कीपर ऋषभ पंत की। आप सभी को बता दें कि विकेट कीपर संजू सैमसन, विकेट कीपर ईशान किशन, विकेट कीपर केवल केएल राहुल, लेकिन यहां पर अब जो है तीनों विकेट कीपर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और यहां पर ऋषभ पंत को टीम इंडिया में शामिल किया है, क्योंकि ऋषभ पंत काफ़ी बेहतरीन विकेट कीपर के साथ साथ बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज ही हैं, तो बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट कीपर को यानी कि ऋषभ पंत को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा वो आंधी, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रविंद्र जडेजा को तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाता है। गेंदबाजी से लेकर के बल्लेबाजी तक इस बल्लेबाज में इतना दम है कि सामने वाली टीम को कब झुका दे कुछ पता नहीं है। किसी को 13 तो किसी को 23 तो किसी को 21 में क्लीन बोल्ड कर देता है। रविंद्र जडेजा अगर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा है तो समझ लीजिए कि मुकाबला आपके हक में चल रहा है। रविंद्र जडेजा अगर पिच पर है तो समझ लीजिए कि सामने वाली टीम के ऊपर अच्छा खासा दबाव बना है। तो बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और ये तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर बरसाता है। रिंकू सिंह को दूसरा महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है। बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया में रिंकू सिंह को शामिल किया है और रिंकू सिंह काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजेगा और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यॉर्कर यानी कि गेंदबाज की, यानी कि जसप्रीत बुमराह जो यॉर्कर के बादशाह और किंग कहे जाते हैं, इनके सामने कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। किसी को 13 तो किसी को 23 तो किसी को 10 तो किसी को 11 तो किसी को 0 पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आप सभी को बता दें कि यॉर्कर के बादशाह स्विंग कराने वाले तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और इनके साथ तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रविंद्र जडेजा भी गेंदबाजी करेंगे। ये तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करते नजर आएंगे और पाकिस्तान की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय टीम की स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर पाकिस्तान की टीम डर गई है भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन देख करके, जहाँ पर भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन के सामने जो भी आएगा वो इनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। 9 जून को भारत वर्सेज पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। आप लोग इससे दुआ कामनाएं बना रखिए कि हमारी भारतीय टीम जीते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।